नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दमदार आइडिया से मैं पीवी सरकार आज आपको दिखाऊंगा कि ईटा सीमेंट का ईटा कैसे बनाना है। दोस्त बहुत दिन के बाद आज मैं लाइव आया हूँ आप लोगों के बेनिफिट के लिए। आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सब बना हुआ है, ये बेंगलोर में फैक्ट्री है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है। आपको लाइव दिखाऊँगा कैसे बनाना है, बहुत कम खर्चे में ये फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं और बहुत मुनाफा कमा सकते हैं आप। जैसे कि आपको पता है आजकल जो मिट्टी का ईटा बहुत कम चल रहा है, इसीलिए इस ईटा का डिमांड बहुत ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा फैक्ट्री लगा हुआ है यहाँ पर बेंगलोर में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए जो जो भी रॉ मटेरियल चाहिए फॉर्मूला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मतलब क्या क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए तो रोड़ी जो जिप्सिस और छोटा है, मतलब इसको बजरी बोलते हैं। उसके बाद देख रहे हैं लेडीज़ जो लेके जा रही है डस्ट है। उसके बाद इस ये है डस्ट आपका, तो ये दोनों का मिक्स होता है। उसके बाद सीमेंट इसमें डलता है और थोड़ा पानी भी डलता है। तो आप मैं बताऊंगा कि कितना परसेंटेज डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कितना परसेंटेज सीमेंट डालना है, कितना आपको पानी डालना है, कितना ये बजरी डालना है, कितना डस्ट डालना है। ठीक है, डस्ट का मतलब है पत्थर का जो पाउडर जो होता है उसी को डस्ट बोला जाता है। और इस बिजनेस में थोड़ा खर्चा तो है दोस्तों, लेकिन आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे कि ये लोग इसमें मिक्सचर में डालें, मिक्सचर में डालने के बाद मिक्सिंग करने के बाद अच्छे से इसको मिक्सचर करना है। मिक्सिंग करने के बाद देखते हैं कि ऐसे ठेला बनाना पड़ता है। ठेला क्योंकि बनाते हैं इसलिए क्योंकि ईजिली हम इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, ताकि ले जाने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए ठेला बनाना पड़ता है। और इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं है। ठेला बनाने के बाद इसको एक जगह से जैसे हम दूसरी जगह ले जाते हैं, ले जाने के बाद फिर इसको हम मशीन में डालेंगे। मशीन में डालने का ये जो मशीन है, ये मशीन थोड़ा कॉस्ट है। नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद आपको दूसरा मशीन दिखाऊंगा, वो थोड़ा लोएस्ट कॉस्ट है। जैसे मशीन में डालिएगा उसके बाद जो खाली जगह है, जो बॉक्स बना हुआ है उसको फिल करना है आपको। ये देखिए, ये मशीन का स्विच ऑपरेटर ने ऑन कर दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। फिल होने के बाद इसको एक बटन इसमें ऐसा लगा हुआ है, जब आप मशीन खरीदेंगे तब आपको पता चलेगा। देखिए जैसे उस फिल जगह को, जो खाली जगह को फिल कर रहा है। फिल करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं, उसके बाद दूसरा एक बटन ने उसको उठाया, उसके बाद देखिए प्रेस से बन गया आपका। ये आपको जो मैं दिखाने वाला हूँ दूसरा मशीन आपको दिखा रहा हूँ, ये भी आप उससे थोड़ा कम खर्चे में आपको ये हो जाएगा। ये हमारा भाई साहब है, इनसे भी आपको बात कराएंगे, ठीक है दोस्तों, ताकि पूरा जानकारी ये आपको दे सके कि इस मशीन में कैसे हम बना सके। और बाकी मशीन का कितना कॉस्ट आएगा ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो का एंड में आपको मैं बता दूंगा कि इस मशीन का कॉस्ट कितना आएगा, कितना आपको खर्चा होगा और फैक्ट्री लगाने में कितना खर्चा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इनसे मिस्त्री से बात कर। कहाँ से आप? तो एक दिन में कितना ईटा बना लेते हैं आप? 1500 एक दिन में। तो कितना आदमी टोटल काम करते हैं आप यहाँ पर? थोड़ा नज़दीक आइए। 5 आदमी। देखिए दोस्तों, 5 आदमी में एक दिन में कम से कम 1500 ईटा बना लेते हैं, वो भी बेहतरीन क्वालिटी का, बहुत अच्छा क्वालिटी का। तो ये हमारा मिस्त्री साहब है, इनसे अभी जस्ट बात हुआ है। तो कितना इसमें कितना क्या मिलाते हैं आप? कितना सीमेंट, कितना बोरी डालते हैं और ये कितना बोरी डालते हैं? एक लाइन में छः डालते हैं। तो दोस्तों आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाता है। देख लीजिए कैसे बनाता है। इसको सबसे पहले धकेलते हैं, धकेलने के बाद उसके बाद जैसे बैठ जाता है, अंदर बैठ जाता है, इनके पास जो मशीन है, मशीनरी का काम है। उसके बाद देखिए मशीनरी को दबाते हैं, दबाने के बाद मतलब फुलफिल करने के लिए, ताकि ये कहीं पर गैप ना रह जाए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए तो देखिए दोस्तों ये बन के रेडी हो गया ऑलरेडी। बहुत सारा बना के रखा है, इनका फैक्ट्री बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है। बहुत सस्ते में आपको यहाँ से भी अगर माल लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा।
और आप खुद चाहे तो खुद भी बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, जो बना के रखा है, काफ़ी बना के रखा है, इनके पास बहुत बढ़िया स्पेस है, तो अपने हिसाब से बना के रखा है। तो आप भी मतलब ऐसे बना के रख सकते हैं और बेच सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे बारिश का सीज़न आ गया, तो ये जितना ज़्यादा इसमें क्यूरिंग होगा उतना ही ये बनने के बाद क्यूरिंग किया जाता है। देख लीजिए, पाइप जो है, पाइप से क्यूरिंग किया जाता है। जितना ज़्यादा क्यूरिंग होगा इसका क्वालिटी उतना ही मजबूत होगा। कम से कम एक महीने तक क्यूरिंग कीजिए, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जल्दी क्यूरिंग ख़त्म कर देते हैं, तो उनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहता है। जितना ज़्यादा क्यूरिंग कीजिएगा, जैसे आपका घर भी ज़्यादा मजबूत होता है, ये भी उतना ही मजबूत होता है दोस्तों। मशीन के बाद आइए बात करते हैं कि मशीन के बाद बारे में कि कौन सा मशीन इसमें ख़रीदना चाहिए। बहुत सारे, ये जो स्क्रीन में दिख रहा है आपका, ये मिक्सचर मशीन है, उसके बाद ये है आपको बनाने वाला मशीन, मैकिंग मशीन है। इसका दो क्वालिटी के तो ऑलरेडी वीडियो में आपको दिखा दिया हो, तो अब बात आती है कि इसका प्राइस के बारे में। दोस्तों प्राइस ऐसा है कि अलग अलग जगह में अलग अलग प्राइस है। आप जिस सिटी में रह रहे हो उसके नियरेस्ट देख लीजिए कि कितना लोएस्ट प्राइस में आप मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप ख़रीद लीजिए और बिजनेस शुरू कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।